जेब में 6 रुपए लेकर मुंबई आए थे रोनित रॉय, बनना पड़ा अमिताभ बच्चन का बॉडीगार्ड। आज है टीवी के बड़े सितारे, जानिए उनके संघर्ष की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत पक्की पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं रोनित रॉय की सक्सेस जर्नी के बारे में, जो कभी जेब में 6 रुपए लेकर मुंबई आए थे और अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड तक रह चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी सक्सेस जर्नी, तो वीडियो का एंड मिस ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टीवी का सबसे लोकप्रिय चेहरा रोनित रॉय ने अपने करियर की शुरुआती फिल्म जान तेरे नाम से की थी। साल 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म सफल रही थी और रोनित रॉय छा गए थे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उन्हें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और प्रीति जिंटा जैसे एक्टर्स का बॉडीगार्ड बनना पड़ा था। रोनित रॉय बताते हैं कि वो चाहे बच्चन साहब हो या आमिर, या ऋतिक हो या प्रीति, उनके साथ खड़े रहना और उनकी सुरक्षा करना मेरे लिए गर्व की बात है। 11 अक्टूबर 1965 को रोनित रॉय का जन्म नागपुर में हुआ था। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद में बिताया। रोनित रॉय ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे तब उनके पास केवल 6 रुपए 20 पैसे थे। अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद स्नातक स्तर पर होटल प्रबंधक में अपना करियर बनाने के लिए वो मुंबई चले गए। 2010 में उन्होंने सोनी टीवी के लोकप्रिय कोर्ट रूम ड्रामा शो अदालत के कैरी पाठक के रूप में अभिनय किया, जो एक तेज तरार वकील है जो केवल सच्चाई के लिए लड़ता है। उन्होंने 25 दिसंबर 2003 को अभिनेत्री और मॉडल नीलम सिंह से शादी की। पिछले 32 सालों से अभिनय की दुनिया में एक्टिव है रोनित रॉय। इसमें कोई शक नहीं कि रोनित एक बेहतरीन कलाकार है जिनकी दुनिया भर में गजब की फैन फॉलोइंग है। वो अपने अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बना लेते हैं। इसके बावजूद आपने कभी ये सोचा है कि जिस मुकाम पर और स्टारडम के रोनित रॉय हकदार थे, आखिर उन्हें वो क्यों नहीं मिल सका? तो चलिए आज हम उनकी इस स्टोरी के बारे में भी बताते हैं, जिंदगी के उन्हीं पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि बॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर को आखिर क्यों फिल्मों से दूर जाना पड़ा और फिर कैसे उनकी किस्मत चमकी और दोबारा उन्हें उनके चाहने वाले बड़े पर्दे पर देख पाए। बता दें कि साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से रोनित ने बॉलीवुड में कदम रखा। रोनित ने अपनी पहली ही फिल्म जान तेरे नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। लोगों के बीच उनकी खूब चर्चाएं भी शुरू हुई थी। सिनेमाघरों में लंबे समय तक ये फिल्म चली। ये फिल्म लगभग 1.08 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.20 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा लंबे समय तक प्यार भी मिला। देखते ही देखते रोनित की किस्मत भी चमकने लगी। इस फिल्म के बाद रोनित कई सारी फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे। वो इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गए थे। लोगों की जुबान पर हमेशा जान तेरे नाम के गाने रहा करते थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से रोनित पर्दे से गायब हो गए। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रोनित अपनी पहली फिल्म में स्टार तो बन गए थे, लेकिन उस वक्त उनमें अनुभव की थोड़ी कमी थी, जिस वजह से वो अच्छी फिल्में चुन नहीं पाए और फिल्मों को चुनते थे तो वो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाती थी। रोनित जो फिल्में रिजेक्ट करते थे उसे कोई एक्टर करके खूब नाम कमाता था। इससे रोनित का करियर ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया और वो फ्लॉप होते चले गए। फिर उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें वहाँ काम नहीं मिल रहा था और इस फैसले ने रोहित की किस्मत बदल दी और रोहित फ्लॉप से हिट हो गए और घर घर में अपनी पहचान फिर से बनाने में सफल रहे। दरअसल साल 2002 में बॉलीवुड छोड़ने के बाद रोनित ने एक बंगाली फिल्म में काम किया। इसी दौरान उन्हें बालाजी टैली फिल्म से एक कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने एक शो में काम किया। इस शो से उन्हें खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद कसौटी जिंदगी में वो नजर आए तो इस टीवी शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद रोनित रॉय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।